बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि 3 विधानसभा में एक साथ उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। आपको बता दें मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 विधानसभा में एक साथ उपचुनाव होने वाले हैं। बुधनी, विजयपुर और बीना विधानसभा में ये उपचुनाव होंगे। आपको बता दें शिवराज सिंह और रामनिवास रावत ने त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद बीना से विधायक निर्मला सप्रे भी अब जल्दी इस्तीफा देंगी, जिसके बाद इन तीनों सीटों पर उपचुनाव जल्दी होने वाले हैं। आपको बता दें बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे और रामनिवास रावत विजयपुर सीट से विधायक थे, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और अब 3 विधानसभा पर एक साथ उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, ये 3 विधानसभा सीट बुधनी, विजयपुर और बीना की होंगी, जहां पर जल्द ही विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। बीना से विधायक निर्मला सप्रे भी जल्द ही इस्तीफा दे देंगी, जिसके बाद उनकी सीट पर भी उपचुनाव होगा। आपको बता दें बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां 3 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। ये 3 सीटें बुधनी, विजयपुर और बीना विधानसभा सीट होंगी, जहां पर उपचुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान और रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था। बीना से विधायक निर्मला सप्रे भी अब जल्दी इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद इन तीनों सीटों पर उपचुनाव होंगे। भोपाल में 3 विधानसभा, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने वाले हैं। बुधनी, विजयपुर और बीना विधानसभा सीट पर ही उपचुनाव होंगे। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान और रामनिवास रावत ने त्यागपत्र पहले ही दे दिया था अपनी विधायकी से, जिसके बाद अब बीना से विधायक निर्मला सप्रे भी जल्द ही इस्तीफा दे देंगी। उनके इस्तीफा देने के बाद तीनों सीट यानी बुधनी, विजयपुर और बीना विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था, विजयपुर से रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा दिया था और अब बीना से विधायक निर्मला सप्रे भी जल्दी इस्तीफा दे देंगी, जिसके बाद तीनों सीटों पर उपचुनाव होंगे।